हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था जो आपकी नोटिफिकेशन आई है भर्ती की, वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज उसी सिलसिले में मैं आपके साथ उस जो आपका सीईई यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में कुछ चीज डिस्कस करूंगा। वो क्या डिस्कस करूंगा, वो आप इसकी थंबनेल को देख के जान चुके होंगे। आज हम इसका सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। पहले तो आपका हार्ड वर्क होगा, वो आपने कैसे करना है वो आप अच्छे से जानते हो। तो अब उसके बाद भी एक चीज रहती है, वो रहती है हमारी जो हमारा रिटन टेस्ट होता है, वो कितने मार्क्स का होगा, आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा, आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी तैयारी तो स्टार्ट कर ली होगी, तो जो भी आपके डाउट्स रहते हैं इस तैयारी को लेके कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, सिलेबस क्या है, तो वो इस चैनल के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज क्लियर कर दी जाएगी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका सिलेबस जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या क्या है। क्योंकि देखो, किसी चीज़ को भी मतलब करने के लिए हमें उसकी जो बेस है उसको पकड़ना पड़ता है कि उसकी बेस क्या है। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक बेस चाहिए होती है, वैसे ही हमें किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें उसका सिलेबस जाना पड़ता है। वो सिलेबस क्या होती है, उस चीज़ की बेस होती है। वैसे अगर आपको सीईई यानी कि अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इसकी बेस जाननी पड़ेगी, बेस मीन सिलेबस जानना पड़ेगा। तो आज हम उसी को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज होगा आपका, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको, एब्रीवेशंस किसके होंगे, इसमें फुल फॉर्म कहते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की पूछी जाएंगी। लेवल मींस कि नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि यूनिसेफ की पूछी जाएगी, जैसे कि यूएनओ की पूछी जाएंगी आपको, जीएसटी के बारे में आपको मतलब के क्या पूछा जाएगा, एब्रीवेशन फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। स्पोर्ट्स के बारे में, नेशनल स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट, यानी कि क्या बोलते हैं हमारा क्या जो ये ओलंपिक्स किसने जीता, ठीक है, जितने भी मैचेस होते रहते हैं चाहे वो नेशनल लेवल के हों इंटरनेशनल लेवल के हों, वो किसने जीता, T20 किसने जीता, वर्ल्ड कप किसने जीता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, अवार्ड्स एंड प्राइजेस किस किस को मिले, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड, नोबल प्राइजेस होते क्या है, इसके साथ साथ इनके MCQs आपको डेली बेसिस पे कराए जाएंगे। कल से ही आपकी इसकी क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो हिस्ट्री में क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, डेट्स किसकी, बैटल जैसे हुई हैं, कौन सी हुई हैं बैटल, जैसे कि हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ऐसे ऐसे बैटल आपको याद रखने हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, रशियन रेवोल्यूशन क्या था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हम यहाँ पे बता देंगे। और लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट्स कौन सी कौन सी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी मूवमेंट, तो ये सब आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो बेल आइकन दबाना है, क्योंकि जैसे ही हम डेली इसका वीडियो डालेंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो इसका क्या है, उसके बाद ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, सोलर सिस्टम के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, अर्थ के प्रिंसिपल पीक्स कौन सी हैं, जैसे हमारी अगर इंडिया में देखा जाए तो K2 है, कंचीजुंगा है, ठीक है, पीर पंजल रेंजेस, मतलब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, आप इसकी कोई चिंता नहीं करें, बस आप खाली सिलेबस को एक बार ध्यान में अपने दिमाग में उसको उतार दीजिए। डिजर्ट्स कौन से हैं, जैसे कि इंडिया के जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वो कौन सा डिजर्ट है, थार डिजर्ट है। रिवर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, सन रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, मतलब हर एक रिवर के बारे में आपको बताया जाएगा, MCQs के जरिए बताया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया भी जाएगा। लेक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है हमारे यहाँ पे, वो है हमारे जम्मू कश्मीर में वुलर लेक जिसे हम कहते हैं, फेमस वाटरफॉल जोग फॉल जिसे हम कहते हैं कहाँ पर है, वो आप मुझे कमेंट में बताएगा, चलो कमेंट में नहीं बताना क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। जियोग्राफिकल टालेस्ट सबसे बड़े क्या है, बिगेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी बच्चों, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, बस आप एक तो अपने फिजिकल पे ध्यान दो और
आप अपने पढ़ाई भी साथ साथ रखें, क्योंकि आपको, क्योंकि मैं आपके जो बदन है ना, मैं वहां पे यूनिफॉर्म देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों में इतना जज्बा है अपने देश के लिए, तो जज्बे को बरकरार रखें, उस जुनून को बरकरार रखें। तो टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, आइसोथर्म्स क्या होती हैं, एक्सेट्रा, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, आइसोबार्स क्या होती हैं, वो सब चीज़ें मैं पढ़ा लूंगा बच्चों, आप मेरे पे भरोसा रखें। इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि हमारे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स क्या होती हैं, लीगल टर्म्स, मिसलेनियस टर्म्स, सब कुछ यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा। UNO के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं, स्पेस के बारे में, फेस्टिवल्स क्या हैं, स्टेट्स क्या हैं, हमारी कौन सी उनकी कैपिटल्स क्या हैं, UTs हमारी कितनी हैं, इन्वायरमेंट के बारे में, थोड़ा कंस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा दूंगा, ठीक है, कितनी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज के बारे में भी यहाँ तक मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। और एक मेन चीज़ यहाँ पे क्या रहती है, वो रहता है करंट अफेयर। करंट अफेयर ये भी मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग में यहाँ पे सब कुछ आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने आपको पहले कहा कि आपको चिंता लेने की कोई भी बात नहीं। ये था हमारा जर्नल नॉलेज का। तो साइंस में क्या है, जो ह्यूमन बॉडी में फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिजीजेज और उनके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, विटामिन और उनके यूजेज क्या क्या हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि फंडामेंटल्स हैं, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में इस्तेमाल होती हैं। मेडिकल टर्म्स के बारे में समझाया जाएगा आपको, हमारे चैनल के जरिए ही समझाया जाएगा, उसकी क्लासेस भी चल रही हैं और उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कुछ ज्योग्राफी की क्लासेस भी हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो अदर एग्जाम्स के लिए भी वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि वो तो हम स्पेशल भी लेंगे, लेकिन आप वहां से भी देख सकते हो, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी सबसे इजी होता है, ठीक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी कि आपके 20 नंबर यहाँ से आएंगे बच्चों, आपको 20 में से 20 ही लेने हैं, ठीक है। ये भी मैं 2 दिन के अंदर इसकी क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको दबाना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंच जाएगी। स्क्वायर रूट जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तो नो वरी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल अवेयरनेस का और ये जनरल साइंस का, क्योंकि जनरल साइंस से बच्चों आपको 40% पेपर आपका जनरल साइंस से होगा, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके आपके पास टाइम नहीं होगा तो उस टाइम को हम मद्देनजर रखते हुए आपको सब कुछ यहाँ पे बता देंगे, वो चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर टाइम नहीं बचेगा तो इसको हम इस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे आपको कवर करवा देंगे। तो फिर आती है बच्चों रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, मैंने आपको पहले कहा कि मैं 2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत इजी है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी है, बस समझने की बात है, समझना है आपको, करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे सब कुछ करा दूंगा, अल्फाबेट टेस्ट, सिलोगिज्म, एनालॉजी, पजल टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन। बस बच्चों आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना है, आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना है और मेरी वीडियोज़ को डेली बेसिस पे आपको देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों ये था हमारे इस सिलेबस का एनालिसिस जो मैंने अभी तक किया। तो हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे इस पर कमेंट करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।